आज करोड़ों हमारे विद्यार्थियों के कड़ी मेहनत पर लगातार कई एग्जामिनेशन पेपर के लीक होने से जो भविष्य अंधकार में है, उसके विरोध में इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार यादव जी और लक्कड़ पहलवान जी के नेतृत्व में सभी हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आए और धरना सांकेतिक दिए और धरने के माध्यम से एक पत्रक तैयार किए और चंदौली और बनारस के सांसद होने के नाते जनपद के आप लोगों ने मुझे बुला करके ये जिम्मेदारी दी कि ये जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन के रूप में इसे लिया है, इस मुद्दे को आने वाले जो 18वीं लोकसभा का जो सत्र है उस सत्र में जोरदार ढंग से उठाने का काम आप करेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने पत्रक दिया है, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी देश हित और किसान के हित में काम किया है हमेशा। हम लोहिया और माननीय मुलायम सिंह के शिष्य हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हम देश हित में कतई जरा सा भी चूक इस सरकार के द्वारा बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हमारे संसदीय दल के नेता भी होंगे, ये सारी बातें उनके संज्ञान में ला करके संसद भवन में इस सरकार को घेरने का काम करेंगे और इस बात से इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो NTA है, जो नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम को कराती है, जिस पर इस देश के हमारे 24 लाख जो है परीक्षार्थी के भविष्य का सवाल है और तमाम ऐसी परीक्षाएं अभी आप आज देखें कि कल के पेपर में निकला था कि नेट और GRS का जो पेपर होता है जो UGC कराती है, यूनाइटेड जो है देश की जो उच्च शिक्षा से लेकर के जो संस्थान है उस संस्थान के द्वारा जो नेट और GRS में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो नेट की परीक्षा होती है उस परीक्षा में भी धांधली हुई है और जब तक ये धांधली सामने आए सरकार डर के मारे जो है इस परीक्षा को पुनः कराने के लिए आदेश दे दिया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। जो हमारे छात्र इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, दिन रात जाग के 18-18 घंटे जाग करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि वो अपनी तैयारी के फलस्वरूप अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाएंगे जहां उनकी पढ़ाई सार्थक होगी, उनके परिवार और उनकी जो एक तरीके जो एम्बिशन है उस एम्बिशन को वो पूरा करेंगे। लेकिन ये सरकार उनके इन सपनों को जो है तोड़ने का काम कर रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार को होश में लाने के लिए आने वाले सत्र में आप देखिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे और सरकार को ये मजबूर करेंगे कि ये जो है इनके साथ खिलवाड़ बंद हो और एक ऐसी एजेंसी का गठन हो जिसमें इनके भविष्य बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो और जो दोषी हो जिसमें लिप्त है। देखा गया है कि जितने परीक्षा लीक हो रहे हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, इसके सारे तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये गुजरात मॉडल यही है
तो हमें ये गुजरात मॉडल देश में नहीं चाहिए। हम इस मॉडल का जो है घोर जोर विरोध करते हैं और इसका पर्दाफाश हम लोग सदन के अंदर करेंगे। ये पूरा आश्वासन हम अपने साथ